शिवपुरी कोतवाली पुलिस ने नोहरी खुर्द गांव के मंदिर में दो बार चोरी करने वाले आरोपी को चोरी हुई नकदी सोने चांदी के जेवरात के साथ गिरफ्तार किया है। कोतवाली प्रभारी रोहित दुबे ने बताया कि नोहरी खुर्द गांव के मंदिर में दो बार अज्ञात चोर चोरी की वारदात को अंजाम दे चुका था। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा था, जिससे चोर की पहचान मुखबिर के द्वारा की गई। खाटू श्याम कॉलोनी रोड से चोर को पकड़ा। आरोपी पोहरी थाना क्षेत्र के बरखेड़ा गांव का रहने वाला है। ब्रजेश ने नोहरी खुर्द गांव के मंदिर में दो बार चोरी करना स्वीकार किया है। शिवपुरी से सुब खान की रिपोर्ट। नोहरी में चोरी का मामला हुआ था, जिसमें एक आरोपी पकड़ा हुआ है, माल बरामद हुआ है। क्या था ये पूरा मामला? विगत 7-8 दिन पहले नोहरी खुर्द गाँव है, यहाँ के निवासी थाने पर आए थे। इन्होंने मंदिर में जो भगवान की मूर्तियाँ थी, उनके आभूषण एवं दान पेटी के रुपये चोरी होने के संबंध में FIR दर्ज कराई थी। जो दोनों घटनाएँ अलग अलग दिन की थी, इसमें दो FIR थाने पर पंजीबद्ध की गई, जिसमें आरोपी ब्रजेश कुशवा निवासी ग्राम बरखेड़ा थाना पोहरी को चोरी गए माल के साथ पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद आरोपी से मंदिर से चोरी गए आभूषण, जैसे मुकुट, लंबा हार, कड़ा, सोने की नथ एवं कुछ नकदी, मशरूका तकरीबन लगभग 2 लाख का जब्त किया है। दोनों प्रकरणों में जो चोरी गया मशरूका है, वो आज पुलिस ने जब्त किया है। आरोपी को माननीय न्यायालय पेश किया है। ये जो आरोपी था भैया, वो कहीं यही रह के कुछ करता था क्या नोरी में, या फिर डायरेक्ट वहाँ? नहीं नहीं, अभी प्रारंभिक जांच में जो पता चला है और जो हमने तकनीकी रूप से जो साक्ष्य जुटाए थे, उसमें ये ज्ञात हुआ है कि ये व्यक्ति अकेला रहता है एवं ये चलता फिरता ऐसे स्थानों को ही चिन्हित करता है। यहाँ पर थोड़ा सा इनके लिए ईजी आसान तरीका रहता है। मंदिर में चूँकि किसी प्रकार का रात्रि के समय चूँकि आउटर में भी है, इस चक्कर में इसने इसको टारगेट किया और एक बार नहीं, दो बार वहाँ पर घटना को अंजाम दिया। इसमें दो अपराध पंजीबद्ध किए गए, इसमें गया हुआ पूरा मशरूका पुलिस ने बरामद किया। ये पहले से भी अपराधी है इन मामलों में? इस संबंध में संबंधित थाने पर पत्राचार किया गया है। यदि उनका कोई आपराधिक रिपोर्ट होगा आरोपी का, तो उसको प्रकरण में संलग्न किया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।